हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तभी हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जैसे बाकी का सर सब अपलोड कर दिया था, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। ओके, तो ये जो तुम्हारी किताब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सब मैंने अपलोड कर दिया हूँ। अभी फंडामेंटल राइट्स पढ़ना है। तो फंडामेंटल का राइट्स का मतलब होता है हमारा अधिकार। जैसे कि कोई माँ अपने बच्चों को जन्म देती है, उसके घर पर झगड़ा चल रहा है, तो छोटी बेबी जो बॉर्न हुआ है या बच्चा बॉर्न हुआ है, उसका हक है कि उसको माँ का दूध मिलना चाहिए। तुम लोग लफड़ा करो, बात की बात है, उसका हक है, दूध मिलना चाहिए। वैसे हमारे कानून ने हमको क्या दिया, हक दिया, अपना अधिकार दिया है। तो सेवन राइट्स है। कितने राइट्स है? तो सबसे पहले राइट्स है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट कल्चरल राइट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एक्सप्लॉयटेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये छः राइट्स है। ये राइट्स है क्या, तो एक एक आर्टिकल शॉर्ट में डिस्कस कराता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, ताकि तुमको समझ में भी आए और शॉर्ट में एग्जाम में लिख भी सके। तो फंडामेंटल राइट जो हमारे भारत के कानून ने दिया, तो राइट टू इक्वालिटी किधर आता है, 14 से 18 था। किधर? तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18। आर्टिकल मतलब रूल्स होता है। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों लोग, मालूम है क्या, कि कोई भी भारत में किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। सब कानून के नज़र में एक है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, जाला हो अदला हो, पतला हो मोटा हो, है ना, धनी हो, है ना, नेता हो या कोई भी हो, कानून के नज़र में सब एक है। अगर वो गलत किया है उसको सजा होगी, है ना। ऐसे नहीं कि अमीर के लिए अलग कानून, गरीब के लिए अलग कानून। भारत के कानून ने क्या, राइट टू इक्वालिटी मीन्स एवरी सिटीजन विल गेट राइट्स इन एवरी फील्ड। हर किसी को हर चीज़ में हक मिलेगा, चाहे वो कोई भी कलर का हो, चाहे कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, आदमी हो या औरत हो, कोई भी हो। इट इंश्योर दैट एवरी वन विल गेट इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज, सबको इक्वल मौका मिलेगा जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। सिटीजन शुड नॉट बी फॉलो ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिस, मतलब अछूत, मतलब आर्टिकल 17 क्या बोलता है, कोई किसी के साथ ये नहीं कर सकते, छोटी जाते बड़ी जाते उसको हटा दो, ये सब गलत है। कानून क्या बोलता है, मेरे नज़र में सब एक है, जो पहला आएगा, जो सब चीज़ एलिजिबल है उसको मिलेगा। ये आर्टिकल कौन सा, इक्वलिटी, क्या है। फिर आर्टिकल 19 से 22 किसके ऊपर बताया, फ्रीडम के ऊपर बताया। फ्रीडम मतलब आज़ादी। हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। जो हिटलर था ना वो ऑटोक्रेटिक था। ऑटोक्रेटिक मतलब होता है तानाशाही, उसकी चली गई। अगर वो बोला दिन है तो दिन बोलना पड़ेगा, रात है तो रात। पर हमारा देश वैसा नहीं है। आवर कंट्री इज डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक मतलब होता है जो गवर्नमेंट आवाम के लिए होती है, पब्लिक के लिए होती है। तो सबसे पहले फ्रीडम क्या दिया अपने को, स्पीच। हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, अपनी मन की बात बोल सकते हैं, बस किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। उसको बोलते फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मतलब स्टेट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। हमारी बात पे कब रोक लगा, कि जब हम कुछ चीज़ गलत बोलेंगे, जब किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, जब किसी अपनी भावना से रिलीजियस हर्ट करेंगे, तब हमको कानून रोकेगा। पर तुमको जो चीज़ बोलना है वो बोलने का हक है। कोरिया में वैसा नहीं है भाई, कोरिया में किम जोंग के आगे कुछ बोले उड़ा देगा तुमको, पर हमारे भारत में ऐसा नहीं है, बोलने का अधिकार है। रेसिडेंट, तू भारत में इंडिया में कहीं भी जाके रहे, कोई रोक टोक नहीं। आज महाराष्ट्र में तू रहे, तू कल बंगाल में जाके रहे, है ना, यूपी में जाके रहे, केरला में रहे, किधर भी घर खरीद, पैसा तो रहे खरीद, बस तेरे को उधर जाके किसी को सताना नहीं है। तो कहीं भी जाके तू सेटल कर सकता है। फ्रीडम टू मूव फ्रीली, किधर भी घूम सकता है, किधर भी घूम, रिसाइड मतलब रह सकता है, मूव मतलब घूम सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। और फॉर्म एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब ग्रुप, एसोसिएशन मतलब तो अपना यूनियन बना, अपना ग्रुप बना, पर वो तेरा ग्रुप देश के हित में होना चाहिए, देश के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। देश के अगेंस्ट तू अपना ग्रुप बना, सोसाइटी बना, यूनियन बना, व्हाट्सएप ग्रुप बना, कोई भी ग्रुप बना, बट वो ग्रुप तेरा देश के लिए होना चाहिए, देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए, देश रोकेगा, ये भी बनाने का हक है। असेंबली, तू पूरा जमा हो जा, तू 1000 लोग को लेके जमा हो सकता है, बट विदाउट आर्म्स, बंदूक लाठी भाड़ा तलवार लेके नहीं। असेंबली मतलब ग्रुप बनाओ, पर शोर शराबा नहीं होना चाहिए, झगड़ा वाला ग्रुप नहीं चाहिए, पीसफुल ग्रुप होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पीसफुल असेंबली ग्रुप बनाने का हमारा कानून इजाज़त देता है। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, तेरे को डॉक्टर बनना डॉक्टर बन, टीचर बनना टीचर बन, तेरे को खेती बाड़ी करना खेती बाड़ी कर, तेरे को जो करना हो कर, कानून तेरे को रोकेगा नहीं। ये हमको आज़ादी है, फ्रीडम बोलते उसको, क्या बोलते हैं, राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट राइट्स क्या है, एक्सप्लॉयटेशन, क्या है, किसी के साथ गलत होता है ना, कोई लूटता है, मतलब जैसे कि चाइल्ड लेबर, छोटा बच्चा उसको स्कूल जाना चाहिए, छोटा बच्चा उसको क्या जाना चाहिए, स्कूल जाने, उसको काम पे लगा दिया, उसको बाबा मारा दिया, ये गलत है भाई, क्योंकि बच्चे को उसका हक नहीं छीन सकता, उसके साथ गलत नहीं होने देंगे। एक्सप्लॉयटेशन मतलब उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। 14 साल से छोटा बच्चे को काम पे नहीं कराना चाहिए, जैसे फैक्ट्री में है ना, बॉम्ब बनता है ना छोटा छोटा, उधर काम कराते, बीडी की फैक्ट्री में काम कराते, ये सब गलत है। बच्चा है हाँ, उसके पास फैमिली बैकग्राउंड है, उसके पास कमाने के लिए नहीं है, पर कानून नहीं बोला कि उसको स्कूल जान दो, क्योंकि फ्री एजुकेशन भी तो दे रहा है। और एक क्या नहीं कर सकते मालूम है, क्या ये नहीं कर सकते मालूम, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग, क्या वर्ड बोले बोला, मतलब बच्चों को खरीदना बेचना, औरत जात को खरीदना बेचना, ये भी अलाउ नहीं है। एक्सप्लॉयटेशन मना है, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, भेदभाव
नहीं कर सकते। ये कौन सा राइट्स है? एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24। और 25 क्या बोला? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जैसे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आप जो रिलीजन के हो, आपको अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का पूरा अधिकार है। आपको रिलीजन प्रैक्टिस करो, बस ये याद रखने का है कि आपका प्रेयर किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जैसे कि मतलब आप प्रेयर करो पर किसी को डिस्टर्ब करके प्रेयर नहीं करना चाहिए। आप अपना रिलीजन प्रैक्टिस करो, 24 घंटा करो पर किसी को डिस्टर्ब मत करो। तो आपको अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का पूरा अधिकार है। हिंदी हो तो तिलक लगाओ, मुस्लिम हो तो टोपी पहनो, क्रिश्चियन हो तो चर्च वो क्रॉस पहनो, सिख हो तो पगड़ी पहनो, कोई रोक टोक नहीं है। क्यों पहने ऐसा कोई बोल सकता? ये अपना भारत है। ओके, कल्चरल राइट्स। जैसे कि हर 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 सिटी का, हर शहर का कल्चर होता है। जैसे महाराष्ट्र का मराठी कल्चर है, तो महाराष्ट्रियन पीपल को अपना कल्चर बचाने का पूरा हक है। वो अपना कल्चर प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनकी रीति रिवाज, कोई रीति रिवाज पे बीच में नहीं आएगा। राइट, राइट टू प्रिजर्व देयर राइट्स, हेरिटेज, कल्चर, पुराने ज़माना, क्योंकि अपना देश सोवरेन कंट्री है, कोई फिक्स रिलीजन नहीं है। तो जिसको जो प्रैक्टिस करना वो प्रैक्टिस करेगा, अपना कल्चर, अपना एजुकेशन राइट बचा के रखेगा। तो ये 6 आर्टिकल सुमार हो गया फंडामेंटल राइट्स, है ना। ये रेमेडीज वाला बाद में देखेंगे, ये तुम्हारा एकदम काम आसान हो गया ना बच्चे लोग। बाकी का भी मैंने सब अपलोड कर दिया, अच्छे से आप पढ़ लेना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।